नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आज के इतिहास में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। इतिहास न सिर्फ अपने आप में घटनाओं को समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज हम 3 जून को क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज किया, और साथ ही उन व्यक्तियों के बारे में भी जानेंगे जो इस दुनिया में जन्म लिए और इस दिन विदा होकर भी चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पर, जहां आज हम सबसे पहले बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, जिन्हें आज ही के दिन यानी 3 जून 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था। तो चलिए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के इस खास दिन के बारे में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार और निबंध लेखक थे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। आज ही के दिन यानी 3 जून 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर नाइटहुड अवार्ड क्या है। तो आपको बता दें कि नाइटहुड अवार्ड ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। ये एक प्रकार का ऑर्डर ऑफ ज्वेलरी है। इसकी स्थापना 4 जून 1917 को किंग जॉर्ज पंचम ने की थी। ये किसी भी कॉमनवेल्थ और ब्रिटिश नागरिक द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। इस अवार्ड की 2 सीनियर श्रेणियां हैं, जिनमें पुरुषों के लिए नाइट ग्रैंड क्रॉस जबकि महिलाओं के लिए डेम ग्रैंड क्रॉस, जबकि दूसरा टाइटल पुरुषों के लिए नाइट कमांडर और महिलाओं के लिए डेम कमांडर बनाए गए हैं। भारत के राष्ट्रगान जनगणमन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर इकलौते ऐसे कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी टैगोर ने ही लिखा था। वह इकलौते ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें अपनी रचना के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। उनकी यह उपाधि लौटाने का कारण विश्व के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक जलियांवाला बाग हत्याकांड था। वर्ष 1915 में ब्रिटिश प्रशासन ने टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। उस समय जिस व्यक्ति को यह उपाधि दी जाती थी उसके नाम के साथ सर लगाया जाता था, लेकिन बाद में टैगोर ने ये उपाधि लौटा दी। दरअसल 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पर्व पर पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाकर निहत्ते शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। इसी की निंदा करते हुए टैगोर ने उपाधि लौटाई। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल से पूरी की। उन्हें बचपन से ही साहित्य में रुचि थी। उन्होंने अपनी पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी। 1877 में जब वह 16 साल के थे तब उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई। पिता ने 1868 में कानून की पढ़ाई के लिए उन्हें लंदन भेजा, लेकिन साहित्य में रुचि के चलते टैगोर 1880 में बिना डिग्री लिए भारत वापस आ गए। 1921 में उन्होंने शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की नींव रखी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 को कलकत्ता में हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्तित्व थे जिन्हें हेल्थ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। बचपन में उन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र में उन्होंने कहानियां और नाटक लिखना प्रारंभ किया था। अपने जीवन में उन्होंने 1000 कविताएं, 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह और विभिन्न विषयों पर अनेक लेख लिखे। इतना ही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर संगीत प्रेमी थे और उन्होंने अपने जीवन में 2000 से अधिक गीतों की रचना की। उनके लिखे 2 गीत आज भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान हैं।
जीवन के 51 वर्षों तक उनकी सारी उपलब्धियां और सफलताएं केवल कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रहीं। 51 वर्ष की उम्र में वे अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जा रहे थे। समुद्री मार्ग से भारत से इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपने कविता संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद करना प्रारंभ किया। गीतांजलि का अनुवाद करने के पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं था, केवल समय काटने के लिए कुछ करने की गरज से उन्होंने गीतांजलि का अनुवाद करना प्रारंभ किया। उन्होंने एक नोटबुक में अपने हाथ से गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया। लंदन में जहाज से उतरते समय उनका पुत्र उस सूटकेस को ही भूल गया जिसमें वो नोटबुक रखी थी। इस ऐतिहासिक कृति की नियति में किसी बंद सूटकेस में लुप्त होना नहीं लिखा था। वह सूटकेस जिस व्यक्ति को मिला उसने स्वयं उस सूटकेस को रविन्द्रनाथ टैगोर तक अगले ही दिन पहुंचा दिया। लंदन में टैगोर के अंग्रेज मित्र चित्रकार रोथेनस्टेन को जब यह पता चला कि गीतांजलि को स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनुवादित किया है तो उन्होंने उसे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। गीतांजलि पढ़ने के बाद रोथेनस्टेन उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने मित्र ड्यूस बी येट्स को गीतांजलि के बारे में बताया और वही नोटबुक उन्हें भी पढ़ने के लिए दी। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। येट्स ने स्वयं गीतांजलि के अंग्रेजी के मूल संस्करण का प्रस्तावना लिखा। सितंबर सन 1912 में गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद की कुछ सीमित प्रतियां इंडिया सोसाइटी के सहयोग से प्रकाशित की गई। लंदन के साहित्यिक गलियारों में इस किताब की खूब सराहना हुई। जल्द ही गीतांजलि के शब्द माधुर्य ने संपूर्ण विश्व को सम्मोहित कर लिया। पहली बार भारतीय मनीषा की झलक पश्चिमी जगत ने देखी। गीतांजलि के प्रकाशित होने के एक साल बाद सन 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टैगोर सिर्फ महान रचनाधर्मी ही नहीं थे बल्कि वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के मध्य सेतु बनने का कार्य किया था। टैगोर केवल भारत के ही नहीं समूचे विश्व के साहित्य, कला और संगीत के एक महान प्रकाश स्तंभ थे, जो स्तंभ अनंत काल तक प्रकाशमान रहेगा। तो अभी आपने जाना रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, जिन्हें आज ही के दिन 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था। उस समय जिस व्यक्ति को ये उपाधि दी जाती थी उसके नाम के साथ सर लगाया जाता था, लेकिन बाद में टैगोर ने ये उपाधि लौटा दी थी। फिलहाल आज के इतिहास के सफर पर हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता महाकवि गोविंद शंकर कुरूप के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। गोविंद शंकर कुरूप या जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी प्रसिद्ध रचना ओट कुशल अर्थात बांसुरी भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। महाकवि गोविंद शंकर कुरूप की 40 से अधिक मौलिक और अनूदित कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। गोविंद शंकर कुरूप का जन्म 3 जून 1901 को केरल के नायतोट नामक स्थान पर हुआ था। बचपन में ही गोविंद शंकर के पिता की आशीष छाया सिर से उठ जाने के बाद उनकी देखरेख और शिक्षा आदि का दायित्व उनके मामा गोविंद कुरूप ने निभाया। अपने मामा गोविंद के नाम पर ही उनका नाम गोविंद शंकर कुरूप पड़ा। परिवार में वंश परंपरा मातृकुल से चलने की प्रथा होने के कारण इनका कुल नाम भी कुरूप हुआ। संयोग से उन्हीं दिनों नायतोट में एक प्राथमिक पाठशाला की स्थापना हुई। बालक कुरूप को वहाँ भर्ती करा दिया गया। गांव के उस प्राथमिक पाठशाला में शिक्षा का प्रबंध तीसरी कक्षा तक ही था। फिर किसी प्रकार व्यवस्था करके बालक कुरूप को 7 मील दूर स्थित पेरुमपावूर के मलयालम मिडिल स्कूल भेजा गया। छात्रावास के जीवन में एक मुक्त वातावरण मिला जो कवि शंकर की अस्फुट प्रतिभा के जागृत होने में विशेष प्रेरक व सहायक हुआ। 7वीं कक्षा के गोविंद शंकर जी मूवाट पुष्पा मलयालम हाई स्कूल पहुंचे। वहां 2 वर्ष रहे, पर ये 2 वर्ष उनके विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और एक प्रकार से दिशा निर्णायक सिद्ध हुए। शंकर कुरूप ने कोचिन राज्य की पंडित परीक्षा पास करके अध्यापन की योग्यता प्राप्त की। वह 2 वर्ष तक यहाँ वहाँ अध्यापन का काम भी करते हैं। उनके कविता संग्रह साहित्य कौतुकम के पहले भाग की कुछ कविताएं इसी काल की हैं, पर अपना विशिष्ट उन्हें तब प्राप्त हुआ जब वह तिरुविलमला हाई स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए। 1921 से
1925 तक शंकर कुरुप तिरुविलमला में रहे। प्रकृति के प्रति प्रारंभ में जो एक सहज आकर्षण भाव था, उसने इन चार वर्षों में अनन्य उपासक की भावना का रूप ले लिया। तिरुविलमला से कुरूप 1925 में चालाकुटी हाई स्कूल पहुंचे। उसी वर्ष साहित्य कौतुकम का दूसरा भाग प्रकाशित हुआ। 1931 में नाले शीर्षक कविता के प्रकाशन ने साहित्य जगत में एक हलचल सी मचा दी। कुछ लोगों ने उसे राजद्रोहात्मक तक कहा और उसके कारण महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में प्राध्यापक पद पर उनकी नियुक्ति में भी एक बार बाधा आई। 1937 से 1956 में सेवानिवृत्त होने तक इस कॉलेज में वह मलयालम के प्राध्यापक रहे। यहाँ अवकाश प्राप्त कर लेने के उपरांत वह आकाशवाणी के त्रिवेदम केंद्र में प्रोड्यूसर रहे। गोविंद शंकर कुरुप के काव्यकृति ओटकुषट का प्रथम संस्करण वर्ष 1950 में प्रकाशित हुआ था। इसके मूल रूप में 60 कविताएं थी, वर्तमान रूप में 58 कविताएं हैं। इन कविताओं के माध्यम से कवि के विभिन्न रूप भावों का परिचय मिलता है। गोविंद शंकर कुरुप को वर्ष में 1963 उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। साल 1965 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय साहित्यकार थे। उनकी कविता संग्रह विश्वनाथनम ने साल 1961 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। साल 1967 में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1968 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। वहीं 2 फरवरी 1968 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। आज के इतिहास में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रूमा पाल के बारे में, जिनका आज ही के दिन यानी 3 जून 1941 को जन्म हुआ था। तो चलिए जानते हैं रूमा पाल के बारे में। रूमा पाल भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रही हैं। उच्चतम न्यायालय के पूरे इतिहास में न्यायाधीश बनने वाली वे तीसरी महिला हैं, जो 3 जून 2006 को सेवानिवृत्त हुई। न्यायमूर्ति रूमा पाल उच्च न्यायपालिका में बहुत ईमानदार, विनम्र व विवेकशील मानी गई हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे किसी भी सामाजिक या व्यक्तिगत समारोह आदि में शामिल होने से बचती रही। यहाँ तक कि अमेरिकी विश्वविद्यालय के बुलावे पर एक सम्मान में भाग लेने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। एक न्यायाधीश के रूप में उन्हें किसी अन्य संस्था से अपनी यात्रा का टिकट लेना स्वीकार्य नहीं था। आज के दौर में सर्वोच्च न्यायपालिका में न सिर्फ न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया बल्कि चयनित व्यक्तियों की ईमानदारी, सच्चाई और योग्यता भी बहस के घेरे में है। वहीं रूमा पाल न्यायपालिका में इसके उलट एक दुर्लभ व्यक्तित्व रही। केवल इसलिए नहीं कि वे एक महिला जज थी, बल्कि इसलिए भी कि उनकी न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा ने संस्था को बहुत समृद्ध किया। रूमा पाल का जन्म 3 जून 1941 को हुआ था। उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की शिक्षा पूर्ण की थी, फिर नागपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी तथा ऑक्सफोर्ड से बैचलर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1968 में कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ की। करियर न्यायमूर्ति रूमा पाल अगस्त 1990 में कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी और जनवरी 2000 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया। वर्ष 2000 में सुप्रीम कोर्ट में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणम के बीच विवाद हो गया। राष्ट्रपति नारायणम ने इस सूची के साथ न्यायमूर्ति के जी बालाकृष्णम का नाम भी जोड़ना चाहा, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं था। इस गतिरोध के चलते न्यायमूर्ति रूमा पाल, दोराई स्वामी, राजू और योगेश कुमार सभरवाल की नियुक्ति को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने में 1-2 माह का विलम्ब हुआ। सुप्रीम कोर्ट की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 28 जनवरी 2000 को उन्हें नियुक्त किया गया। 3 जून 2006 को रूमा पाल सेवानिवृत्त हो गई। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता का निर्धारण न्यायाधीश के कार्यकाल की अवधि से होता है। यदि न्यायमूर्ति सभरवाल और रूमा पाल ने एक साथ शपथ ग्रहण किया होता तो वर्ष 2005 में दोनों ही मुख्य न्यायाधीश पद के लिए बराबर वरिष्ठता प्राप्त होते।
इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय को टाई ब्रेकर के लिए नाम के अक्षरों का क्रम या उच्च न्यायालय में उनके कार्य अवधि के आधार पर यह निर्णय करना पड़ता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा। वैसे उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सभरवाल की कार्यवधि रुमापाल से अधिक थी, लेकिन अक्षरों के क्रम से न्यायमूर्ति रुमापाल पहले आती थी। इन न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह उच्चतम न्यायालय की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 28 जनवरी 2000 को रखा गया। न्यायमूर्ति सभरवाल और दोराई स्वामी राजू के शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद रुमापाल ने शपथ ग्रहण की, लेकिन वरिष्ठता क्रम में वह इन्हीं कुछ घंटों से पिछड़ गई और देश अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पाने से वंचित रह गया। योगेश कुमार सभरवाल और राष्ट्रपति के आर नारायण की पसंद के जी बालकृष्णम नियत समय पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। तो जाना आपने रुमापाल के बारे में, जो भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रही हैं और उच्चतम न्यायालय के पूरे इतिहास में न्यायाधीश बनने वाली वे तीसरी महिला हैं। आगे हम बात करेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से बालकृष्ण भट्ट के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक बालकृष्ण भट्ट का जन्म प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 3 जून 1844 में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित वेड़ी प्रसाद था। पंडित वेड़ी प्रसाद की शिक्षा की ओर विशेष रुचि रहती थी, साथ ही इनकी पत्नी भी एक विदुषी महिला थी, अतः बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा पर बालकाल से ही विशेष ध्यान दिया गया। प्रारंभ में इन्हें घर पर ही संस्कृत की शिक्षा दी गई और 15 से 16 वर्ष की अवस्था तक इनका यही क्रम रहा। इसके उपरांत इन्होंने माता के आदेशानुसार स्थानीय मिशन के स्कूल में अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया और 10वीं कक्षा तक अध्ययन किया। विद्यार्थी जीवन में इन्हें बाइबल परीक्षा में कई बार पुरस्कार भी प्राप्त हुए। मिशन स्कूल छोड़ने के उपरांत यह पुनः संस्कृत व्याकरण और साहित्य का अध्ययन करने लगे। कुछ समय के लिए बालकृष्ण भट्ट जमुना मिशन स्कूल में संस्कृत के अध्यापक भी रहे, पर अपने धार्मिक विचारों के कारण इन्हें पद त्याग करना पड़ा। विवाह हो जाने पर जब इन्हें अपनी बेकारी खलने लगी, तब यह व्यापार करने की इच्छा से कोलकाता भी आए, परंतु वहां से शीघ्र ही लौट आए और संस्कृत साहित्य के अध्ययन तक हिंदी साहित्य की सेवा में जुट गए। यह स्वतंत्र रूप से लेख लिखकर हिंदी साप्ताहिक और मासिक पत्रों में भेजने लगे तथा कई वर्ष तक प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक रहे। भट्ट जी प्रयाग से हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का निरंतर घाटा सहकर 32 वर्ष तक उसका संपादन करते रहे। हिंदी प्रदीप बंद होने के बाद हिंदी शब्द सागर का संपादन कार्य भी उन्होंने कुछ समय तक देखा, पर अस्वस्थता के कारण इन्हें यह कार्य छोड़ना पड़ा। बालकृष्ण भट्ट का हिंदी के निबंधकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। निबंधों के प्रारंभिक युग को निसंकोच भाव से भट्ट युग के नाम से अभिभीत किया जाता है। व्यंग विनोद संपन्न शीर्षकों और लेखों द्वारा एक ओर तो भट्ट जी प्रताप नारायण मिश्र के निकट है और गंभीर विवेचन एवं विचारात्मक निबंधों के लिए वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निकट है। भट्ट जी अपने युग के न केवल सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे, अपितु इन्हें संपूर्ण हिंदी साहित्य में प्रथम श्रेणी का निबंध लेखक माना जाता है। इन्होंने साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक और सामिक आदि सभी विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं। इन्होंने 300 से अधिक निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों का कलेवर अत्यंत संक्षिप्त है तथा 3 पृष्ठों में ही समाप्त हो जाते हैं। भाषा की दृष्टि से अपने समय के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट का स्थान बहुत ऊंचा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में यथाशक्ति शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया। भावों के अनुकूल शब्दों का चुनाव करने में भट्ट जी बड़े कुशल थे। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने सुंदर ढंग से किया है। भट्ट जी की भाषा में जहाँ तहाँ पूर्वीपन की झलक मिलती है, जैसे समझा बुझा के स्थान पर समझाए बुझाए लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट की भाषा को 2 कोटियों में रखा जा सकता है। प्रथम कोटि की भाषा तत्सम शब्दों से युक्त है। द्वितीय कोटि में आने वाली भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों के साथ साथ तत्कालीन उर्दू, अरबी, फारसी तथा आंग्ल भाषी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। वह हिंदी की परिधि का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भाषा को विषय एवं प्रसंग के अनुसार प्रचलित हिंदी तर शब्दों से भी सम्मिलित किया। बालकृष्ण भट्ट की भाषा जीवन तथा चित्तकर्षक है। इस
इसमें यत्र तत्र पूर्वी बोली के प्रयोगों के साथ साथ मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है, जिससे भाषा अत्यंत रोचक और प्रभामयी बन गई। बालकृष्ण भट्ट की लेखन शैली को दो कोटियों में रखा जा सकता है। प्रथम कोटि की शैली को परिचयात्मक शैली कहा जा सकता है। इस शैली में उन्होंने कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। द्वितीय कोटि में आने वाली शैली गूढ़ और गंभीर है। इस शैली में भट्ट जी को अधिक नैपुण प्राप्त है। उन्होंने आत्मनिर्भरता तथा कल्पना जैसे गंभीर विषयों के अतिरिक्त आँख नाक तथा कान आदि अति सामान्य विषयों पर भी सुंदर निबंध लिखे हैं। निबंधों में विचारों की गहनता, विषय की विस्तृत विवेचना, गंभीर चिंतन के साथ एक अनूठापन भी उनकी सभी रचनाओं में है। यत्र तत्र व्यंग एवं विनोद उनकी शैली को मनोरंजक बना देते हैं। उन्होंने हास आधारित लेख भी लिखे हैं, जो अत्यंत शिक्षादायक है। भट्ट जी का गद्य गद्य ना होकर गद्यात्मक सा प्रतीत होता है। वस्तुतः आधुनिक कविता में पद्यात्मक शैली भी गद्य लिखने के लिए परंपरा का सूत पात्र बालकृष्ण भट्ट जी ने ही किया था। बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ। लेखकों में उनका सर्वोच्च स्थान है। भट्ट जी ने नाटककार, निबंधकार, लेखक, उपन्यासकार और अनुवादक आदि विभिन्न रूपों में हिंदी की सेवा की और उसे धनी बनाया। साहित्य की दृष्टि से भट्ट जी के निबंध अत्यंत उच्च कोटि के हैं। इस दिशा में उनकी तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार चार्ल्स लैम से की जा सकती है। गद्य काव्य की रचना भी सर्वप्रथम भट्ट जी ने ही प्रारंभ की थी। इनसे पूर्व तक हिंदी में गद्य काव्य का नितांत अभाव था। आज के इतिहास में फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।